और देखिए जी, इधर की बात की जाए तो भाई इधर बन रहा दिन का खाना। हेलो हेलो हेलो, ये क्या पकड़ रखा है तुम लोगों ने? कहा है कुत्ता? कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए जी, मार्केट में भी पहुंच चुके हैं और देखिए भाई, अभी ठीक हूँ मैं डोई वाला चौक पे। और देखिए भाई, सजावट देखिए काफी अच्छी बना रखी है। चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं आज की ब्लॉग की भी स्टार्टिंग। तो हो गई है फिर से एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं विकी पुंडीर, देवभूमि उत्तराखंड, एक खूबसूरत शहर देहरादून से। और देखिए भाई, मौसम की बात की जाए तो क्या खिलखिलाती धूप लगी पड़ी है भाई आज तो। मतलब दो तीन दिन तो ऐसी रहा फिर से मौसम, बादल ही बादल लगे पड़े थे, बट कल से सही ओर का मौसम। धूप देखिए भाई, कितनी ज़बरदस्त धूप लगी है। और भाई ब्लॉग की बात की जाए तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी करीब करीब 12:30 बजे से। और अभी आ रखा हूँ भाई मैं ठीक बुआ के घर पे, क्योंकि भाई आज वैसे भी संडे है और बुआ के घर पे हैं भाई कीर्तन। तो बुआ ने कल शाम को बोला था कि आ जाइए भाई, तो जस्ट अभी आया हूँ मैं। मैंने अभी ऊपर छत पे आया इनके ही। चलो यार, यहीं से ब्लॉग भी कर देते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं भाई आज का दिन कैसा रहता है हमारा। और भाई बाकी नीचे की बात की जाए तो नीचे तो भाई तैयारी चल रही है। कीर्तन वालों को बोल रखा है भाई करीब करीब 3 बजे आएंगे कीर्तन मंडली वाले, तो वो अपने परिवार वाले तो आ रखे हैं, उनके दीदी लोग आ रखे हैं। और चलते हैं ज़रा नीचे, बुआ आपने बना दी होगी अब गर्मा गर्म चाय, और ज़रा पहले गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई आगे का प्रोसेस। और बाकी इधर की बात की जाए दोस्तों तो देखिए भाई, गन्ने के खेत पूरे भरे पड़े हैं इधर। यहाँ देखिए बुआ के घर के जस्ट बगल से ही भाई ये पूरा खेत देखिए भाई गन्ने से एकदम पैक हो रखा है। और वो सामने भी देखिए भाई, वहाँ भी पूरा पैक हो रखा है। वाली रोड जा रही है भाई तुम्हारी, ये देखो भाई गाड़ी जा रही है, इसमें ये जा रही है तुम्हारी ठेक देहरादून के लिए। और ये रोड है भाई दूधली वाली रोड। इधर की बात की जाए दोस्तों तो देखिए भाई, लोगों ने यहाँ पे गेहूँ भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए, बल्कि पहले धुल दिए होंगे फिर सुखाने के लिए रखे हैं। और बाकी उधर वाली छत में देखिए भाई क्या रखा है, वो भाई चकतुरा है ये। तो देखिए भाई चकतुरा रखा हुआ है यहाँ पे, और आराम से आजकल लोग छत में बैठ रहे हैं जैसी धूप आ रही है, अब मस्त मार के भाई। और देखिए जी, इधर की बात की जाए तो भाई इधर बन रहा दिन का खाना, और दिन के खाने में बन रहा भाई यहाँ पे देखो रोटियाँ। दाल चावल नहीं बनाए भाई तुम लोगों ने? खत्म हो गए बोले। यहाँ देखो यार, यहाँ पतेलो खाली कर दिया इन्होंने। हलवा कहाँ है हलवा? ये देखिए भाई बुआ के काम, ये काला हलवा बना रखा है, है गुड़ा हलवा है। तो देखिए जी, यहाँ पे तैयारी चल ही रही है भाई कीर्तनों की, हलवा भी बना दिया बुआ ने। चूरण खाना मनो? अच्छा ठीक। बात की जाए तो ये देखिए भाई, बुग्गा डुग्गा सब आ रखे है यहाँ। और कहाँ गए? ए बाबा, ये देखो भाई इधर बच्चा पार्टी यहाँ लगी पड़ी है। हेलो हेलो हेलो, ये क्या पकड़ रखा तुम लोगों ने? कहा है कुत्ता? कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए भाई, इधर सारे बच्चे आ रखे हैं आज। और ये देखिए भाई, कुत्ता का बच्चा पकड़ रखा है इन्होंने यहाँ पे। छोड़ दो भाई उसे। तो देखिए भाई कितना प्यारा बच्चा है ये, छोटू मोटू बुग्गा की तरह है ना तू, जैसी बुग्गा है। चलिए जी, बच्चे तो यहाँ पे मस्ती पे लगे पड़े हैं, और हमारा सुमन भाई लगा पड़ा है दरी झाड़ने पे, मतलब तैयारी कर रहा है भाई आज बंदा भी।
चलिए जी, इसी के साथ लंच का भी टाइम हो चुका है और आज का लंच है भाई बुआ के घर पे। और देखिए भाई, दाल बना रखी बुआ ने और चावल, और दीदी खा रही है भाई यहाँ पे। देखिए भाई, पौधा की रोटी और दाल, और जीजा भी आ गए भाई साथ साथ में खाने के लिए। वो भी तैयार हो गया भाई खाना खाने के लिए। तो चलिए भाई, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। चलिए जी, फाइनली खाना पीना भी खा लिया है और भाई कीर्तन मंडली वाले भी आ गए हैं बाहर, और बुआ लोग भी आ गई है, मेरी छोटी बुआ भी आ गई है और उसकी लड़की भी आ रखी, और उसका लड़का ये रहा। क्या नाम है तेरा? हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी भी पहुंच चुका है भाई कीर्तन देखने के लिए। और चलिए भाई आगे चलते हैं, देखते हैं भाई कीर्तन मंडली वाले क्या कर रहे। ओ देखो भाई, आवाज आ रही बाहर, चलो चलो। देखिए जी, कीर्तन भी शुरू हो चुके हैं, अंदर सभी लोग कीर्तन में बैठ चुके हैं, जो मेहमान लोग भी आ रखे थे। बहुत तेज आवाज आ रही है अंदर कीर्तनों की, मैं बाहर निकल गया हूँ। और चलिए जी, बाहर तो कीर्तन चल ही रहे हैं, बल्कि अब आरती का भी टाइम हो चुका है, तो बुआ लोग तो चलेगी आरती में। और भाई आज बाहर का मौसम दिखाऊं मैं तुम्हें, और ये देखिए दोस्तों कितनी भयंकर धुंध छाने लगी है अभी से भाई। अभी टाइम हो रहा करीब करीब 5 बज रही है भाई अभी, और देखिए भाई कितना अंधेरा होने वाला है, यहाँ पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए भाई, मतलब 5 ही बजे इतनी भयंकर धुंध छा रही है इधर, बताओ यार। और ठंडा भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही है आज, क्या ही बोले। और चलिए जी, इसी के साथ नीचे चलते हैं, जरा आरती कर लेते हैं। चलिए जी, फाइनली कीर्तन कुर्तन भी हो गए हैं और भाई आरती उरती भी हो गई है, बस अब है बारी घर जाने की। घर तो जाने से पहले मुझे थोड़ा मार्केट का काम भी है और उसको भी निपटाते हैं। बाहर तो भाई एकदम अंधेरा हो गया है, तो चलिए जरा बाजार की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। तो ये है हमारे देवी के पशु, आज इन पे आई भाई माता काली, और जय हो माँ दुर्गा भवानी। तो चलिए जी चलते हैं।
चलिए जी मार्केट में भी पहुंच चुके हैं और देखिए भाई अभी ठीक हूँ मैं डोई वाला चौक पे। और देखिए भाई सजावट देखिए काफ़ी अच्छी बना रखी है, पूरी लाइटें लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आग भी जला रखी है। अभी नगर निगम वाले आए तो यहाँ पे जो पुलिस वाले रहते हैं उनके लिए देखिए भाई आग जला रखी फर्स्ट क्लास करके। और भाई ठंडा इतना भयंकर ठंडा हो रहा है यहाँ पर, क्या ही बोले भाई। तो चलिए सामान भी ले लिया, ये देख सुमन भाई आ रखा था मेरे साथ। और देखिए जी दुकान पे जय श्री राम के कितने भाई झंडे बिक रहे, कितनी लाइन लगी पड़ी है भाई। सब लोग देखिए भाई अपने अपनी गाड़ियों पे झंडा लगा रहे हैं यहाँ पे, और जोर से बोलिए जय श्री राम। और चलिए जी हम भी देखते हैं एक छोटा सा झंडा अपनी गाड़ी के लिए टना टन वाला। तेरी है ठीक है पट्टा। और चलिए जी फाइनली मार्केट से भी आ चुके हैं दोनों भाई, और भाई शाम के खाने के लिए भी आज बुआ के घर पे इनवाइट है हम। भाई मेरे यहाँ देखो भाई फैनों की यहाँ लाइन लगी पड़ी है। हेलो कौन से वाले फैन हो तुम, खाने वाले की भाई नाचने वाले फैन है भाई ये। चलो भाई इन्हें जरा डांस करवाते हैं। और आज का खाना बना रही है भाई बुआ, छोटी वाली बुआ। हाँ बुआ ने बना रही, वो भी किसमें पतेले में भाई। पनीर पनीर ये देखिए भाई खोल गया पनीर भाई। तो चलिए जी बनाने देते हैं इन्हें पहले खाना, फिर टेस्ट करके देखेंगे कैसा बना है आज का खाना ठीक। और बाकी इधर की बात की जाए तो देखिए भाई दोनों दीदियां लगी पड़ी है रोटी बनाने पे, वो भी गर्मा गर्म, और बुआ ने बना दिया पनीर। ये देखो भाई क्या फुल्कियां बन रही भाई यहाँ पे, मजा आ जाएगा भाई खाने में आ रही। और चलिए जी इसी के साथ खाना पीना भी हो चुका है, और भाई जस्ट अभी मैं घर भी पहुँच चुका हूँ अपने, और अब है बारी ब्लॉग एंड करने की। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं विकी पुंडीर मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक से बाय एंड जय देवभूमि जय उत्तराखंड।